हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल आदर वीडियो। तो आप मेरा चैनल में कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो सोचा इस वीडियो के ऊपर एक बड़ा वीडियो क्यों ना बनाया जाए, ठीक है। तो आप जब जियो का जो नेट घटते हो, मतलब सोशल मीडिया देखते हो, तो आपका जो जियो का नेट होता है बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो सोचा आपके लिए कुछ नया किया जाए, ठीक है। तो मैंने बहुत रिसर्च करके जो जियो का जो एपिन है उसके बारे में सेटिंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिव करता है वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, मैं अगर मोबाइल कर तो सबसे पहले आपको जो सेटिंग है सेटिंग आपको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं मेरा जो सेटिंग है सेटिंग में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मेरा सेटिंग ओपन करते ही आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा है इसमें आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं इसमें सिंपली आपको क्लिक करके जो आपका जो ऊपर का जो सिम मतलब जियो का जो सिम है जियो का सिम में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। आपका सिम टू सिम ऑन में रह सकता है, ठीक है। तो मेरा सिम वन में है तो मैं सिंपली सिम वन में आपको क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सिम हमने क्लिक करते आपको जो नीचे में रेड डॉट मार्क करके दिखा देता हूँ, जो लिखा होता है एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में APN भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपको सामने ऊपर का तरह कुछ प्लस आइकन आ जाता है, ठीक है। तो आपको नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली प्लस आइकन क्लिक करना होगा, ठीक है। तो प्लस आइकन सिंपली क्लिक करके जो आपका जो नेम है नेम को आपको रखना है जियो नेट, ठीक है, सॉरी जियो 4G। तो आपको APN में जो लिखना है APN में लिखना है आपको जियो नेट, ठीक है। तो आपको जो पॉक्सी है और जो पोर्ट है आपको सिंपली छोड़ देना, यूज़र नेम भी आपको छोड़ देना, पासवर्ड भी छोड़ देना, ठीक है। और सर्वर में आपको सिंपली लिख देना होगा www.google.com, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ www.google.com। तो google.com लिखने के बाद आपको नीचे google.com लिखने के बाद आपको जो MMC है MSC पोर्ट है तो कुछ सिंपली छोड़ देना, ठीक है। तो आपको जो MCC है और MNC है इसको आपको सिंपली छोड़ देना होगा, ठीक है। ये आपके एरिया के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो आपको जो APN टाइप है इसको आपको भी छोड़ देना होगा, ठीक है। जो आपको जो APN प्रोटोकॉल है इसको जो लिखना है IPv4 IPv6 इसको सिंपली रख देना है, ठीक है। तो APN प्रोटोकॉल पर आपको रोमिंग प्रोटोकॉल कोई भी रहना होगा, ठीक है। तो आपको जो नीचे जो लिखा है बैरियर में रेड डॉट मार्कर दिखा देता है, बैरियर में किसी में क्लिक करके आपको जो लाइट है लाइट में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको UMTS और HSPL आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसका मैं सिंपली आप स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं स्पीड टेस्ट के लिए फास्ट वाला जो ऐप है नेटफ्लिक्स का, ये ऐप मैं यूज़ कर रहा इस टाइम में। तो आप देख सकते हैं स्पीड कैसे उठता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट कर दिया मैंने तो धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है। तो देखते कितना दूर जाता है, तो ये 680 KBS है, ठीक है। तो आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसे कौन मत जरूर बोलना है टिप्स एंड ट्रिक्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। जय हिंद, जय टेक।